नमस्कार। अब हम आगे, पहले पिछली बार हमने आपको बताया था कि भाषा का अधिगम और जन्म के बारे में, कि बच्चा किस तरह एक एक शब्द पढ़ के आगे बढ़ता है और शिक्षकों को उसे सही जानकारी देनी चाहिए। अब हम आगे पढ़ते हैं, इसी में आगे भाषा का अधिगम और अर्जन, कि उस किस तरह बच्चा भाषा को अधिगम करता है, सीखता है एवं उसको एकत्रित करता है। यह बात रहस्य ही बनी हुई है। आखिर अत्यंत कम उम्र के बावजूद बच्चा जटिल भाषिक व्यवस्था को कैसे समझ लेता है? कई बच्चे 3 या 4 वर्ष के होते होते न केवल एक बल्कि 2 या 3 भाषाओं का धीरे धीरे प्रभाव में प्रयोग करना सीख जाते हैं। यही नहीं, वे दिए गए संदर्भ में भी प्रयुक्त भाषा का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ है वे अपने भाषिक तंत्रों को अलग रखने की क्षमता तो ग्रहण करते हैं, लेकिन साथ ही वे इन्हें मिलाना भी जानते हैं, जब वे मिलाने की इच्छा करते हैं। आजकल के बच्चे ऐसे हैं कि 3-4 साल में ही वे इतने शब्द बोल लेते हैं कि हमें पता ही नहीं पड़ता है, और भाषा का भी धीरे धीरे प्रभाव करना सीख जाते हैं। मतलब घर में कौन सी भाषा बोली जा रही, स्कूल में कौन सी भाषा बोली जा रही, वे सब जल्दी सीख लेते हैं, और उसका अर्थ भी वे, और भाषिक तंत्रों को अलग करना है, मतलब घर पर कैसे वातावरण में बोला जाता है, लोग कैसे बोलते घर में, किस परिवेश में बोलते हैं, और विद्यालय में कैसे बोलते हैं, तो वो दोनों को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेता बच्चा, और वो उस तरह से उनको अलग अलग कर देता है। मतलब स्कूल में क्या सिखा रहे हैं और घर में क्या सीख रहा है बच्चा, तो वो अपने मन से उन दोनों भाषाओं को अलग अलग कर देता है कि स्कूल में क्या सीख रहे हैं और घर में क्या सीख रहा है। बालकों की भाषा सीखने के संदर्भ में व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जैसे पावलव और स्किनर ने कहा कि अभ्यास, नकल व रटने से भाषा की क्षमता प्राप्त होती है, किंतु चामर्स्की ने अपने रिव्यू ऑफ स्किनर्स बर्वल वी है वीहर द्वारा व्यवहारवाद की बुनियाद को ही हिलाकर रख दिया। उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि भाषिक क्षमता जन्मजात ही होती है, वरना भाषिक व्यवस्था को सीखने की प्रवृत्ति संभव नहीं हो सकती। इसमें अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग अपने तरफ से परिभाषित किया है। पियाजे और वाइस के जैसे मनोवैज्ञानिक उपरोक्त दोनों ही अतिवादी दृष्टिकोणों के बीच का रास्ता चुना है, जहाँ व्यवहारवादियों के लिए मस्तिष्क एक कोरी स्लेट जैसा था, वहां संज्ञात्मक रूख रखने वाला चामस की आदि के लिए भाषा मानव मस्तिष्क में पहले ही विद्वान थी, सार्वभौम व्याकरण के रूप में बुनी हुई है। अब पियाजे के अनुसार, पियाजे के एक वैज्ञानिक है, उनके अनुसार ये बता रहे हैं कि भाषा किस तरह से बच्चे के मन में अर्जित होती है, अधिगम होती है। भाषा अन्य संज्ञात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतरक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। दूसरी ओर एक दूसरे वैज्ञानिकों ने कहा है कि बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, साथ ही बच्चा अपनी भाषा के विकास के दौरान 2 तरह की बोली बोलता है, पहली आत्म केंद्रित और दूसरी सामाजिक। मतलब पहले वो अंदर से बोलता है कि वो क्या बोलना चाह रहा है, और दूसरा सामाजिक, जो वो सीखता है दूसरे लोगों से। आत्ममुख भाषा के माध्यम से बालक खुद से संवाद करता है, मतलब वो अपने आप से बोलता है बच्चा, जबकि सामाजिक भाषा के माध्यम से वह सारी दुनिया से संपर्क करता है। यहाँ ध्यान देने की बात यह कि पियाजी और वाइस के दोनों ने वास्तव में बच्चे के साथ काम किया था, और उन्हें संज्ञात्मक विकास की प्रक्रिया को बड़ी ही सूक्ष्मता, मतलब बड़ी गहराई से ही इसका विश्लेषण किया और सिद्धांत ने विकसित किए गए थे। सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं, बल्कि काफी जटिल पूर्व लेखन तंत्र भी इस समय के साथ उन्हें जरूरत होती है। मतलब सामाजिक रूप से वो भाषा तंत्र को विकसित कर लेते हैं और लिखित रूप में भी जटिल वाचिक तंत्र विकसित करने, ताकि वे विश्व के साथ अंतर्क्रिया करने हेतु अपना जो संबंध है भाषा का वो जोड़ सके। बच्चे अच्छे खासे विकसित भाषा भाषिक व्यवस्था के साथ ही स्कूल आते हैं, यानी बच्चे कम से कम 3 साल में स्कूल जाता है, तो वो जब तक घर में रहकर अपने परिवेश में भाषा सीखता है कि उससे बड़े लोग, जैसे उसके मम्मी पापा दादा दादा नाना नाना जिसके साथ भी वो रहता है, वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं,
कौन सी भाषा बोल रहे हैं, तो वो उन सबको अर्जित करता है कि किस तरह से बोला जाता है, तो वो उसके साथ ही स्कूल आता है। इसलिए स्कूल में पाठ्य चर्चा में भाषा शिक्षण के उद्देश्य तय किए जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य बच्चे को इस प्रकार से साक्षर बनाना है कि बच्चा समझने के बाद पढ़ने व लिखने की क्षमता हासिल कर सके। साथ ही द्विभाषिक और पराभाषिक चेतना को बढ़ावा देना हमारा प्रयास होना चाहिए। साथ ही विद्यार्थी में विनम्रता व नम्रता की क्षमता विकसित करना जरूरी है, ताकि वे सभी प्रकार की स्थितियों में सही सुनता व आत्मसम्मान के साथ संवाद स्थापित करने की क्षमता प्राप्त कर सके। तो ये सब बातें इसी में है कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है और किस तरह से वो स्कूल में ज्ञान अर्जित कर रहा है। और स्कूल में भी ध्यान करना चाहिए कि बच्चा किस भाषा में बोल सकता है, कि वो कौन सी भाषा से, यानी उसे घर में कौन सी भाषा बोली जा रही, तो ये सब ध्यान स्कूल में रखा जाना चाहिए, विद्यालय में रखा जाना चाहिए। अब भाषा के अधिगमन एवं अर्जन के संदर्भ में एक वैज्ञानिक जीन पियाजे का परिप्रेक्ष्य, जब भी भाषा सीखने की प्रवृत्ति पर बात हो तो वहाँ चामस्की की मानसिक धारणा का बहुत प्रभाव दिखलाई पड़ता है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में पियाजे सर्वाधिक प्रभावकारी साबित हुए। सभी बच्चे संज्ञात्मक विकास के पूर्व ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशन चरणों से गुजरते हैं। इस धारणा ने संपूर्ण शिक्षा शास्त्र विमर्श पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। अब एक और दूसरे वैज्ञानिक के चामस्की के अनुसार भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती रहती है। इस अवधारणा से आंकड़ों का अवलोकन, वर्गीकरण, संकल्पना निर्माण व उनका सत्यापन अथवा असत्यता और इस धारणा का शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान लिया जा सकता है। किंतु पियाजे जन्मजात भाषिक संता वाली संकल्पना से सहमत नहीं हुए। उनके निर्माणवादी दृष्टिकोण के अनुसार सभी ज्ञान तंत्र सेंसरी मोटर मैकेनिज्म के माध्यम से निर्मित होती है, जिसमें बच्चा आत्मसात्मीकरण और समायोजन के माध्यम से कई रूपरेखा बनाता जाता है। मतलब अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी ये भाषा परिभाषित किया है कि बच्चा किस तरह से भाषा को सीखता है, किस तरह से अर्जित करता है। अब आता हमारा आगे, अभी तो हमने अलग अलग वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा है कि उन्होंने क्या अपने तरफ से भाषा का, बच्चों में भाषा का विकास किस तरह से होता है, किस तरह से अर्जित करता है। अब हमारा आगे आते हैं बालकों में भाषा का विकास। बालक के विकास के विभिन्न आयाम होते हैं। भाषा का विकास भी उन्हीं आयामों में से एक है। भाषा को अन्य कौशलों की तरह अर्जित किया जाता है। ये अर्जन बालक के जन्म के बाद ही प्रारंभ हो जाता है। अनुकरण वातावरण के साथ अनुक्रिया तथा शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग इसमें विशेष भूमिका निभाती है। अब इसमें बालकों में भाषा का विकास में सबसे पहला आता है हमारा भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था। इस अवस्था में एक तरह से बालक धुनात्मक संकेतों से युक्त भाषा को समझने और प्रयोग करने के लिए स्वयं को तैयार करता हुआ प्रतीत होता है। मतलब कोई भी ध्वनि उसको सुनाई देती है तो वो उसको संकेत देती है बच्चे को, कि वो उस बच्चा सुनना चाहता है उस ध्वनि को, कि आखिर वो संकेत है क्या, ध्वनि है क्या, तो वो उसको समझता है, उसको प्रयोग में लाने को स्वयं तैयार करता है। जिसकी अभिव्यक्ति उसकी निम्न प्रकार की चेष्टाओं तथा क्रियाओं के रूप में होती है। सबसे पहले चरण के रूप में बालक जन्म लेते ही रोने चिल्लाने की चेष्टा करता है। रोने चिल्लाने की चेष्टा के साथ ही वह अन्य ध्वनि या आवाजें भी निकालता है। ये ध्वनियां पूर्ण तरह स्वाभाविक, स्वचालित एवं नैसर्गिक होती है। इन्हें सीखा नहीं जा सकता है। मतलब जब बच्चा पैदा होते ही रोता है, गाता है, हंसता है, चिल्लाता है, तो इन्हें सीखा नहीं जा सकता, ये स्वाभाविक ही होती है। उपयुक्त क्रियाओं के बाद बालकों में बड़बड़ाने की क्रियाएं प्रचेष्टाएं शुरू होती है। इस बड़बड़ाने के माध्यम से बालक स्वयं तथा व्यंजन दुनिया के अभ्यास का अवसर पाते हैं। वे कुछ भी दूसरों से सुनते हैं तथा जैसा उनकी समझ में आता है उसी के अनुरूप ध्वनियों की को किसी न किसी रूप में दोहराते हैं।
इनके द्वारा स्वरों में जैसे अ आ ई इत्यादि को व्यंजनों त म न क इत्यादि से पहले उच्चारित किया जाता है। हाव भाव तथा इशारों की भाषा भी बालकों को धीरे धीरे समझ में आने लगती है। इस अवस्था में प्राय एक दो स्वर व्यंजन ध्वनियां निकालकर उसकी पूर्ति अपने हाव भाव तथा चेष्टाओं से करते दिखाई देते हैं। मतलब बच्चा जैसे धीरे 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 बड़ा होता है, पहले वो जन्म से रोता है, उसके बाद धीरे धीरे बड़ा होता है, वो संकेतों के माध्यम से फिर वो व्यंजन स्वर व्यंजन को थोड़ा थोड़ा अपने आप ही बढ़ाता है, उसके बाद वो अपने हाव भाव धीरे धीरे उसको समझ में आता है। ये इसकी भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था है एक बालक की। अब इसकी वास्तविक अवस्था, भाषा विकास की वास्तविक अवस्था, प्रारंभिक अवस्था को भाषा सीखने के लिए तैयार की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था से गुजरने के बाद बालकों में वास्तविक भाषा का विकास का कार्य प्रारंभ होता है, जिसे भाषा विकास की वास्तविक अवस्था कहा जाता है। यह अवस्था बालक के एक वर्ष का हो जाने अथवा उससे एक दो माह पहले ही शुरू हो जाती है। पहले बालक में मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में भाषा का विकास होता है। वह शब्दों वाक्यों तथा इनसे बनी भाषा को बोलना और समझना सीखता है। उसके मौखिक शब्द भंडार में वृद्धि होती है, यानी वो धीरे धीरे जब बोलता है बच्चा तो उसके फिर धीरे धीरे दिमाग में उसके शब्दों की जो भंडार में वृद्धि होती जाती है, शब्द उसमें जुड़ते जाते हैं कि वो क्या बोलता जा रहा है। उसमें मौखिक अभिव्यक्ति की विभिन्न साधनों पर अधिकार जमाने की योग्यता और कुशलताओं में भी वृद्धि होती है। मतलब जो बच्चा बोल रहा है तो अनेक ऐसे शब्द उसके शब्द भंडार में वृद्धि हो रही है और उसकी जो योग्यता और कुशलता है उसमें भी उसमें उसकी वृद्धि हो रही है। अब उसके बाद जब वो विद्यालय में प्रवेश करने तथा लिखित भाषा की शिक्षा ग्रहण करने के फलस्वरूप उसे पढ़ने लिखने संबंधी कुशलताओं का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। इस तरह भाषा के मौखिक एवं लिखित रूपों से संबंधित विभिन्न कौशलों के अर्जन तथा विकास में धीरे धीरे उसके कदम बढ़ते जाते हैं और वो भाषा को विचार विनिमय का साधन ही नहीं बल्कि ज्ञान प्राप्त करने तथा शिक्षा ग्रहण करने का माध्यम बनाकर अपना सर्वांगीण विकास करता है। मतलब जब वह विद्यालय में प्रवेश लेता है तो वो भाषा को ग्रहण करता है, उसको शिक्षा ग्रहण करता है, तो वो केवल उसको केवल विचार विनिमय नहीं बल्कि वो उसको उससे अपना ज्ञान भी प्राप्त करता है, ज्ञान बढ़ाता है, शिक्षा ग्रहण करता है, उसी को माध्यम बनाकर वो अपना जो विकास करता है सर्वांगीण विकास करता है, अपना ज्ञान का विकास करता है, इसको वो करने में पूर्णतः समर्थ हो जाता है। भाषा के सीखने के क्रम में बालक में सबसे पहले मौखिक शब्दावली का विकास होता है। इसके बाद उसमें मौखिक अभिव्यक्ति या वाक शक्ति का विकास होता है। इसके बाद उसमें पढ़ने संबंधी योग्यता या अभिव्यक्ति का विकास होता है। मतलब जब वो भाषा सीखता है तो बालक में सबसे पहले मौखिक यानी जब जो क्या बोल रहा है वो तो उसका पहले उसका विकास होता है कि वो शुद्ध रूप से बोल रहा है कि नहीं, और फिर मौखिक के बाद अभिव्यक्ति यानी वाक शब्द उसके मौखिक के साथ साथ उसके जो वाक्य बोल रहा है उसका विकास होता है। उसके बाद पढ़ने संबंधी ना जो पढ़ रहा है उसका अभिव्यक्ति का विकास होता है। तो अभी हमने आपको बालक के भाषा के विकास की अवस्था बताई और वैज्ञानिकों का बताया कि उनके तरफ से क्या क्या इसमें भाषा बालक किस तरह से भाषा अर्जन करता है और अधिगम करता है। अब आगे हम और भी इसमें आपको विस्तार से बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।